हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैम आपको एक कहानी सुनाने वाली हैं। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? आप मिलोगे जंगल के राजा से। ओके, कौन है ये? शेर। शेर के साथ कोई और भी आया है। चूहा। कौन आया है? चूहा आया है। आपको पता है आज मैम आपको शेर और चूहे की कहानी सुनाएंगी। आप सुनोगे कहानी? आओ मैम के साथ। एक बार की बात है, एक जंगल में शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था और वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक चूहा आया और वो वहाँ पे उछलने लगा, कभी इस पेड़ पे तो कभी इस पेड़ पे, और अचानक उछलता उछलता वो शेर पे आके गिर गया। शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर जाग गया। कौन है? किसने मुझे जगाया नींद से? किसने देखा? चूहे ने। शेर ने चूहे को अपने पंजों से दबा लिया और बोला, आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं तुम्हें खाते ही रहूँगा। चूहे ने कहा, नहीं महाराज, सुनो, आप मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। शेर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा ही। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। शेर ने कहा, ठीक है, जाओ और दोबारा मुझे नजर नहीं आना। चूहा बोला, धन्यवाद महाराज, और चूहा चला गया। शेर वहाँ जंगल में घूम रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अचानक वहाँ पर एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था और शेर उस जाल में फंस गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। सब जानवर शेर की आवाज सुन रहे थे। तभी चूहे ने भी शेर की आवाज सुनी और वो वहाँ आया। महाराज महाराज, क्या हुआ आपको? मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अच्छा महाराज, मैं आपको इस जाल से बाहर निकालता हूँ। चूहे ने अपने दांत से जाल को काटना शुरू किया, टुक 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 करके सारे जाल को खाना शुरू करा। काटता गया काटता गया और शेर को आजाद करा दिया। शेर ने चूहे को बोला, चूहा, आज तो आपने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद चूहा। चूहे ने बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैंने आज आपकी जान बचाई, उस दिन आपने भी तो मेरे को नहीं खाया था ना। चूहे ने कहा, धन्यवाद। आप लोगों को पता है बेबीज, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमने क्या सीखा? हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कई बार छोटा व्यक्ति ही हमारे काम आ जाता है। धन्यवाद।